हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मैं नबील। आज हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं एप्पल का लेटेस्ट मैकबुक एयर विथ M4 चिपसेट, और ये नए स्काई ब्लू कलर में है मेरे पास। ये एकदम बेसलाइन वाला वर्जन मैं लेके आया हूँ, ताकि आप में से जो भी जिसका बजट मिनिमम से मिनिमम है और वो एक मैकबुक एयर लेना चाहता है, उनके लिए सूटेबल है या नहीं ये चेक करने के लिए। तो बॉक्स को एक बार देख लीजिए ठीक से। यहाँ पे हमारा मैकबुक एयर जो है वो बना हुआ है। बैक साइड अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि M4 चिपसेट का आता है और इसमें 16 GB रैम है और 256 GB की SSD है। और प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका 99,900 रुपीज है, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम एप्पल ने यहाँ पे कर दिया है। तो ये काफी ग्रेट न्यूज है कि नया मैकबुक भी आ गया है और उसका प्राइस ड्रॉप भी हो गया है। आपका मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बॉक्स में क्या कुछ है फटाफट दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये नए स्काई ब्लू कलर में हमारा मैकबुक एयर M4 है। इसके बाद आपको मिलेगा ये 30W वाला USB टाइप सी वाला एडाप्टर और एक लाइट स्काई ब्लू कलर की ब्रेडेड मैकसेफ केबल। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स भी है लेकिन कोई भी एप्पल स्टिकर नहीं है। मैकबुक एयर M4 का ये जो नया स्काई ब्लू कलर है, इसको एक बार चेकआउट कीजिए, अच्छे से देख लीजिए अलग अलग बैकग्राउंड्स में। ये आपको कभी कभी सिल्वर भी लग सकता है, लेकिन है ये स्काई ब्लू, बहुत ही लाइट स्काई ब्लू कलर है यहाँ पे जो एप्पल ने इस्तेमाल किया। बहुत ही सटल कलर है, प्रोफेशनल लुक को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस टाइप का कलर इस्तेमाल किया है। ये मैकबुक बहुत ही थिन और लाइट है, बिल्कुल पहले वाले मैकबुक जैसा ही। तो यहाँ पे कोई भी डायमेंशन में और वेट में डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। आईओ पोर्ट चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 2 यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जो थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करते हैं, और एक मैकसेफ चार्जिंग पोर्ट मिलता है और एक हेडफोन जैक मिलता है जो कि 3.5 mm का है, ताकि अपने फेवरेट हेडफोन जो है इसके साथ कनेक्ट कर सके। इसके अलावा आपको कोई भी पोर्ट नहीं मिलता, कोई SD कार्ड स्लॉट भी यहाँ पे नहीं है। उसके लिए आपको एक एक्सेसरी लेना पड़ेगा, सस्ती सी एक्सेसरी आ जाती है यूएसबी टाइप सी है, तो इस टाइप की एक एक्सेसरी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप उसको बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको SD कार्ड रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप फोटोज वगैरह वीडियोस निकालते हो जो आपको ट्रांसफर करनी है अपने कैमरा से, तो आपको ये काम आएगा। फोन से करते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। डिस्प्ले इसके अंदर आपको डायगोनली 13.6 इंचेस का एक LED बैकलाइट डिस्प्ले मिलता है विद IPS टेक्नोलॉजी। 2560x1664 रेजोल्यूशन है इसका और 224 पिक्सल्स पर इंच का आपको इसमें पिक्सल डेंसिटी मिलेगा। ब्राइटनेस इसकी 500 निट्स की है। इसमें P3 व्हाइट कलर भी मिलता है, ट्रूटोन की टेक्नोलॉजी भी मिलती है। डिस्प्ले की क्वालिटी जो है लेकिन बहुत अच्छी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। मैकबुक से डिस्प्ले बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको यूज करने में। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, बहुत एडवांस काम कर रहे हो, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बहुत ज्यादा चाहिए और आपको यहाँ पे जो प्रोफेशनल काम करना है, तो आपको मैकबुक प्रोस के लिए जाना चाहिए। डिस्प्ले के अंदर आपको ये नॉच भी देखने मिल जाता है, जिसके अंदर नया इंप्रूव्ड वेबकैम या फेस टाइम कैमरा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ये आया है कि 2 6K डिस्प्लेज आप साइमल्टेनियसली इसके साथ उनका आउटपुट ले सकते हैं, साथ ही इसका लिड ओपन करके इसके डिस्प्ले को भी यूज कर सकते हैं। पहले डिस्प्ले का लिड ओपन करके यूज करना पॉसिबल नहीं था M3 चिपसेट के साथ। 4 स्पीकर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। स्पीकर्स के अंदर कोई चेंज खास यहाँ पे आया नहीं है, बहुत अच्छे स्पीकर्स है यहाँ पे, अच्छे से आप इस पे मूवीज वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। जो नॉच में कैमरा है जो इम्प्रूव्ड है, जिसके बारे में आपको जस्ट अभी बताया था, वो यहाँ पे नया 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, जिसमें आपको सेंटर स्टेज टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है और सपोर्ट फॉर डेस्क व्यू भी मिल जाता है। सेंटर स्टेज में क्या है, आप कहीं भी घूमेंगे तो ये कैमरा आपके चेहरे पे पैन करते रहेगा, आपको फ्रेम में रखेगा जब आप कोई फेस टाइम कॉल कर रहे हो या कोई भी वीडियो कॉल कर रहे हो। और डेस्क व्यू में क्या है, टॉप डाउन आप दिखा सकते हैं, ऐसा लगेगा कहीं ऊपर आपने कैमरा लगाया है और डेस्क का व्यू दिखा सकते, कुछ भी आप काम कर रहे हो डेस्क के ऊपर वो आप इसके कैमरा से सामने वाले को दिखा सकते। नए फेस टाइम कैमरा की जो क्वालिटी है 12 मेगापिक्सल वाली, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलेगी। ये इसके फेस टाइम कैमरा या वेबकैम से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, और ऑडियो भी जो है इसके इंटरनल माइक से ही रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी मैंने एक्सटर्नल माइक यहाँ पे पहना हुआ नहीं है। कीबोर्ड और ट्रैकपैड के अंदर कोई भी चेंज नहीं है, जैसा कीबोर्ड पहले था वैसे ही कीबोर्ड अभी भी है, ट्रैकपैड भी वैसा ही है। MacOS पूरा जेस्चर बेस्ड OS है, ट्रैकपैड बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रैकपैड फैंटास्टिक है। बस एक बटन के अंदर फर्क ये आया है कि F10 के बटन के ऊपर जो म्यूट का सिंबल था, वो पहले एक्चुअली म्यूट का सिंबल नहीं था, अभी वो म्यूट का सिंबल वहां पे आ गया है, दैट्स इट। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है एप्पल का नया M4 चिपसेट, और ये M4 चिपसेट जो है इसके बेस वर्जन के अंदर ही 10 कोर के CPU के साथ आता है, जो कि M3 के अंदर 8 कोर का था, लेकिन GPU यहाँ पे भी 8 कोर का ही दिया हुआ है M3 के जैसा ही। मेमोरी बैंडविड्थ यहाँ पे इंक्रीज्ड है, 120 GBPS की मेमोरी बैंडविड्थ आपको इसमें देखने मिलेगी, जो कि पहले 100 थी। तो यहाँ पे चलिए कुछ टेस्ट करके देखते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं इसके SSD का और फाइनल प्रो पे वीडियो रेंडर करके देखते हैं। तो हम ब्लैक मैजिक स्पीड टेस्ट रन करके देखते हैं कि यहाँ पे रीड और राइट स्पीड क्या हमको पहले से बेटर मिलती है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ टाइम तक रन होने दिया है, आप देख सकते हैं जो राइट स्पीड है अराउंड 1800 MBPS है और जो रीड स्पीड है वो अराउंड 3000 MBPS है। तो यहाँ पे रीड स्पीड के अंदर मुझे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है,
राइट स्पीड सिमिलर है पहले के मुकाबले, बट रीड स्पीड में इंप्रूवमेंट है, तो ये अच्छी बात है। फाइनल कट प्रो में क्या वीडियो एडिट कर सकते हो नए मैकबुक एयर M4 के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर जिसमें 16 GB रैम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं स्क्रब कर रहा हूँ वीडियो के अंदर और यहाँ पे कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आ रही। वीडियो को यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, ये एक 4K मल्टी कैम मल्टी लेयर फुटेज है और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई लैग वगैरह तो देखने नहीं मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ स्मूथ चल रहा है और यहाँ पे मैं व्यू में जाता हूँ और व्यू में जाके इसको बेटर क्वालिटी पे कर देता हूँ, क्योंकि बेटर परफॉर्मेंस पे करें तो क्वालिटी कम रहती है और परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटर क्वालिटी में भी अच्छे से काम कर रहा है। इसको मैं बड़ा करके भी आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फुल क्वालिटी में हम यहाँ पे अपनी फाइनल कट प्रो की फुटेज देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम हाई एंड वाली 10-bit वाली और बहुत ज़्यादा लेयर्स वाली फुटेज को आराम से एडिट कर पाएंगे, कर तो पाएंगे लेकिन उसमें रेंडरिंग टाइम वगैरह ज़्यादा हो जाएगा और कभी कभी आपको क्रैश या लैग फेस करने मिल सकता है। इसमें ये वाले पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई प्लगइन्स भी नहीं है, मामूली टेक्स्ट वगैरह जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से आप काम तो इसमें कर सकते हैं अच्छे से, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई बहुत ही हाई एंड का काम है तो फिर उसके लिए ये सूटेबल शायद नहीं भी रहे, क्योंकि और हाई एंड की मशीन्स आती है फिर मैक के लाइनअप में। अभी हम इसको रेंडर करके देखते हैं इस प्रोजेक्ट को। यहाँ पे देख सकते हैं 12.5 मिनट का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाते हैं, मैंने बैकग्राउंड रेंडर जो है ऑफ करके रखा हुआ है, एक्सपोर्ट फाइल में जाते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके सबसे पहले मैं इसको H.264 कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 5.83 GB यानी कि 6 GB के आसपास का प्रोजेक्ट है, 12.5 मिनट का प्रोजेक्ट है और इसको हम अब एक्सपोर्ट करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं स्टॉपवॉच को ऑन कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगता है इस प्रोजेक्ट को रेंडर होने के लिए। और यहाँ पे बैकग्राउंड टास्क जो है मैं डिस्प्ले पे रख देता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93% जो है ये रेंडर हो चुका है और 95 होते ही ये फुल रेंडर यहाँ पे हो जाएगा। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हो गया और इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ तो 5 मिनट 45 सेकंड सिर्फ और सिर्फ लगे हैं यहाँ पे एक 4K वीडियो को रेंडर करने के लिए। तो इतना टाइम ही लगने वाला है अगर आप 4K वीडियो रेंडरिंग करते हो तो सोच लीजिए आप सिमिलरली प्राइस विंडोज लैपटॉप पे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे फाइनल कट पिक तो चला सकते हैं आप, ऊपर से इतनी फास्ट रेंडरिंग भी आप कर सकते हैं जो कि सेम प्राइस पॉइंट में मिलने वाले दूसरे लैपटॉप पे शायद पॉसिबल नहीं होने वाली। तो काफ़ी फास्ट है इसकी रेंडरिंग स्पीड्स। इसमें आपको लेटेस्ट मैक ओएस मिल जाता है और बहुत साल आपको अपडेट्स इसमें देखने मिलेंगे और सब टाइमली अपडेट्स मिलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैक ओएस देख सकते हैं आप कैसा रहता है। अगर आप विंडोज से माइग्रेट हो रहे हो तो मैं एक बार आपको एक झलक इसकी दिखा देता हूं। आपको एक ऐप स्टोर मिल जाता है इसमें और ऐप स्टोर जो है बहुत ही रिच रहता है, जैसे आईफोन का और आईपैड का, बहुत ही क्वालिटी वाले ऐप्स इसमें आपको देखने मिल जाते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के भी आपको ऐप्स मिल जाते हैं, तो एमएस ऑफिस वगैरह सब आप इसमें चला सकते हो। फिर कैटेगरीज के हिसाब से सभी ऐप्स इसमें जो है डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं पावर पॉइंट वगैरह हर चीज़ इसमें मिलेगी आपको। और मैक ओएस जो है बिल्कुल आपको आईपैड ओएस जैसा थोड़ा सिमिलर लगेगा, लेकिन ये फुल फ्लेज कंप्यूटर है तो यहाँ पे सब ऐप्स आपके रहेंगे। आपको एक प्रॉपर फाइल मैनेजर मिल जाता है जिसको फाइंडर बोलता है एप्पल, तो यहाँ पे बहुत ही इजी टू यूज है, इसमें कोई बहुत बड़ा लर्निंग कर्व नहीं रहता। अब एप्पल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं जो कि इसके अंदर बेक्ड इन है, क्योंकि एप्पल का सिलिकन चिप है, तो यहाँ पे आपको जो नया वाला सीरी है वो देखने मिलेगा। इसमें आप टाइप 2 सीरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये एप्पल इंटेलिजेंस का सीरी जो है ये ChatGPT के साथ भी वर्क करता है। फिर आपको ये इमेज प्लेग्राउंड भी इसके अंदर देखने मिल जाता है। इमेज प्लेग्राउंड के बारे में मैंने आपको iOS के वीडियोस में बताया था, इसमें आप कोई भी इमेजेस जो है अपने मुताबिक बना सकते हैं, अपने फोटोज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पे थीम चूज किया है और यहाँ पे इसने मुझे ये पर्सन बना के दे दिया, जो भी मैंने थीम चूज किया था उसके ऊपर ये आप अपनी खुद की फोटो से भी बना सकते हैं और कुछ भी जो भी आप डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे बना के देगा आपको। फिर आपको नोट्स के अंदर, ईमेल के अंदर सब जगह आपको राइटिंग टूल्स देखने मिल जाते हैं जिसमें आप प्रूफ रीडिंग करवा सकते हो, रीराइट करवा सकते हो, फ्रेंडली प्रोफेशनल अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे रीराइट करवा सकते हो या कंपोज कर सकते हो। कंपोज विद ChatGPT में क्या है, अगर आप चाहते हैं एक जॉब एप्लीकेशन के लिए ईमेल लिखना तो यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट एन ईमेल फॉर जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजिशन ऑफ वीडियो एडिटर। ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, रिटर्न प्रेस करता हूँ और यहाँ पे देखिए ये इंस्टेंटली एक ईमेल मुझे बना के दे रहा है। आपने देखा भी होगा इस टाइप के ईमेल ब्रैकेट्स में अपना नाम वगैरह लिख के लोग सेंड कर देते हैं, तो ChatGPT से बनाते वही AI यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको आप और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। फोटोज के अंदर भी आपको AI एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप एनहांस कर सकते हैं फोटो को AI की मदद से। और यहाँ पे आपको क्लीनअप का भी ऑप्शन मिलता है, सपोज आपको ये फूल जो है ये बैकग्राउंड से क्लीन कर देना है तो आप इसको बस इस तरीके से सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे फूल देखिए गायब कर दिया इसने, तो ये क्लीनअप का भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जो कि एप्पल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। और क्योंकि ये एप्पल के सिलिकन जो है ये AI के लिए बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट कैनवा जिसमें भी AI का काम है
वो सब कुछ अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो जैसे आपने देखा परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी इसमें आपको अच्छा देखने मिल रहा है, और वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं आप या AI वाले टास्क कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप वर्ड प्रोसेसिंग कर रहे हो, ईमेल्स देख रहे हो, ईमेल्स के रिप्लाई कर रहे हो, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, कुछ भी इस टाइप का काम कर रहे हो, तब तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली आपको। लेकिन हाई एंड की वीडियो एडिटिंग करना है, प्रोफेशनल काम करना है, तो फिर प्रो मॉडल्स के लिए जाना। बैटरी इसके अंदर जो है इंप्रूव्ड है पहले के मुकाबले, लेकिन बैटरी लाइफ आपको 18 आवर्स की ही देखने मिलेगी जैसे M3 में देखने मिलती थी। लेकिन एक्स्ट्रा जो प्रोसेसिंग पावर है उसके लिए जो एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ की जरूरत है उसके लिए एप्पल ने यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है बैटरी में। पहले ये बैटरी M3 में 52.6 वॉट आवर की थी, अभी ये 54.8 वॉट आवर की हुई है, तो स्लाइड इंप्रूवमेंट है इसमें भी। 30 वॉट का यूएसबी टाइप सी आपको चार्जर साथ में मिलता है जो मैंने आपको बताया। 35 वॉट पे भी आप अपग्रेड कर सकते हो, 70 वॉट का चार्जर भी इसमें सपोर्टेड है, उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लास्ट में आपको बता दो कॉन्फिगरेशन कैसे आप इसका चूज कर सकते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं, आपको वाईफाई 6E ब्लूटूथ 5.3 इसमें देखने मिलेगा जैसे M3 में आता था। और स्टोरेज वेरिएंट्स के अंदर आपको 256, 512, 1TB और 2TB के ऑप्शंस देखने मिलते हैं। अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एप्पल की वेबसाइट पे लेके जाके समझा देता हूँ क्या सीन है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 इंच का मैकबुक एयर मैंने चूज किया है, 15 इंच वाले का बाद में मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आऊंगा आपके लिए अलग से। तो ये 99,900 से स्टार्ट होता है, इसमें आपको तीन वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एक 256 GB वाला, एक 512 GB वाला, और तीसरा जो है ये 24 GB रैम और 512 GB वाला है। इन तीनों को भी आप कॉन्फिगर कर सकते हो। हम बेस वाले वर्जन की यहाँ पे बात करते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमाइज आप इसको कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे अगर आपको 10 कोर का GPU चाहिए तो वो आप चूज कर सकते हैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, बट मुझे कोई इतना वर्थ इट नहीं लगता। बेस वर्जन के लिए आप जा रहे हैं अगर तो कुछ करना ही है तो फिर रैम आप अपग्रेड कर सकते हैं, बट 16 GB रैम भी आपके लिए मोर देन इनफ है। जो भी काम इस पे हो सकते हैं वो 16 GB रैम पे आराम से हो जाएंगे। SSD भी अपग्रेड आप कर सकते हैं, 512 1TB वगैरह आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस वेरिएंट के लिए जाते हो 256 के साथ, तो आप फिर अलग से एक SSD ले सकते हैं जो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, उसकी स्पीड इसकी इंटरनल SSD से कम होगी डेफिनेटली, लेकिन अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और यहाँ पे मैंने टैग भी करके रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। हाँ, लेकिन आप जो पावर ब्रिक्स है इसके वो आप अपग्रेड जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 70 वॉट का लेता हूँ तो सिर्फ मुझे 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं और मुझे 30 वॉट की जगह 70 वॉट का चार्जिंग ब्रिक मिल जाएगा। इससे फिर मैं अपने आईफोन को और बाकी एक्सेसरीज को भी चार्ज कर सकता हूँ, तो वो एक अपग्रेड आप कर लेना। तो 1,01,900 रुपये का आपको इफेक्टिव इसका प्राइस पड़ेगा, लेकिन आपको अप टू 10,000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाता है सिलेक्टेड कार्ड्स के ऊपर, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं और 10,000 रुपए तक आपको डिस्काउंट्स में मिलेगा। ये जो मेरा पर्टिकुलर मैकबुक एयर M4 है, ये स्काई ब्लू कलर वाला 13 इंचेस वाला, ये मैंने लिया है आईसेंस एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनका, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं, बिंदास आपके घर पे आ जाएगा, जाके भी विजिट करके ले सकते हैं। अगर मेरे वर्डिक की मैं बात करूँ इस मैकबुक के ऊपर, तो कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है, टोटली कॉम्पिटिशन को डिस्ट्रॉय करता है। और मेरे हिसाब से अगर आप एक मैकबुक लेना चाह रहे हो या एक लैपटॉप लेना चाह रहे हो, तो इससे और बेहतर कोई चीज़ नहीं है इस प्राइस पॉइंट पे। प्लीज़ इसको जो कस्टम बिल्ट पीसीज है उसके साथ कंपेयर मत करना, वो पोर्टेबल नहीं होते। ये लैपटॉप है, वो लैपटॉप नहीं होता है। लैपटॉप हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही होता है फॉर द स्पेसिफिकेशन। डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हो अगर आपको पसंद है तो। बाकी आपके थॉट्स आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।